हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। आपको मैं बता दूं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, CRPF कॉन्स्टेबल GD में। तो आपको अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, जब भी आपको पता चल पाएगा दोस्तों कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। अभी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें और अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए अपने फ्रेंड मोंटी जनसेवा केंद्र के साथ। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं दोस्तों इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 जनवरी में आपका जारी हो चुका है। यहाँ पे आप जैसे इसे क्लिक करेंगे PDF को, तो अभी मैं इसे PDF को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने बाद मेरे सामने एक PDF डाउनलोड हो चुकी है, तो देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे इसके सामने जो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्लिक डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, स्पॉट कोटा पे आपकी निकाली गई है वैकेंसी। आप ऑल इंडिया से इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। 169 वैकेंसी आपकी निकाली गई है इसमें, 169 वैकेंसी, सॉरी 169 वैकेंसी आपकी निकाली है टोटल। स्पोर्ट कोटा के ऊपर आपकी वैकेंसी है, ये देख सकते हैं आप, स्पोर्ट कोटा के ऊपर वैकेंसी है। और एक बात और बता दूँ आपके, 16/1/2024 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखी गई है आपकी 15/2/2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, रात के 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आपकी जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन मोड में ही आपके भरे जाएंगे, मतलब ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और वैकेंसी की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं डाट डिटेल वैकेंसी ऑफ द अंडर, तो ये आपका डिसिप्लिन देख सकते हैं, इवेंट दे रखा है, मेल एंड फीमेल आपका दे रखा है, टोटल आपका दे रखा है, मेल एंड फीमेल में कितनी वैकेंसी है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, वजन वगैरह आपका दिया हुआ है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेल एंड फीमेल में कितनी वैकेंसी है और कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो 32 पेज का नोटिफिकेशन है, जो आपको मैं अच्छे से रीड करने वाला हूँ। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 169 वैकेंसी आपकी यहाँ टोटल निकल के आई है। तो सैलरी वगैरह की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच आप सैलरी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपका स्पोर्ट कोटा है, ये देख सकते हैं स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे दी हुई है, हाई स्कूल से प्लस स्पोर्ट कोटा का आपके पास होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे इसके। 1/1/2021, 31/12/2023 तक आपके यहाँ पे कुछ ये दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओनली मैट्रिक सर्टिफिकेट सेल द एस्पेक्ट द प्रूफ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ साफ बोला गया है। आपकी जो उम्र मांगी गई है वो 18 साल से लेकर 23 साल आपकी उम्र मांगी गई है, 15/2024 यहाँ पर डेट आपकी दी हुई है। 5 साल की आपकी SC ST वालों की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट आपको मिलती है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 16/1/2024 से ले गए और आने वाली फरवरी तक। बाकी आप इसका लिंक आप यहाँ पे खुद भी रीड से चेक कर सकते हैं, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप खुद भी चेक कर सकते हैं जो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट प्रीफेंस, सेकंड प्रीफेंस आपकी यहाँ पे दी हुई है। हाइट वगैरह की बात करें तो जनरल कैंडिडेट की 170 हाइट है, 4 फीमेल 157, यहाँ पे देख सकते हैं 1.65 आपकी इनकी हाइट है, 1.55 इनकी है, 1.62, 1.52। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जहाँ से भी आप आते हैं वहाँ वहाँ की आपकी अलग अलग यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट होल्डिंग द कोरक्रोमैथ, कैंडिडेट द असम, असम हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख,
ये आपके 1.65 हाइट है, फीमेल की 1.55 है। कैंडिडेट ये अगर आप यहाँ से आते हैं मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इसकी ये सारे आपके जो स्टेट है यहाँ पे 1.62 हाइट है, 1.52 आपकी लड़की होगी है। अगर आप जनरल से काउंटिंग फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पे 1.70 हाइट आपकी मांगी गई है, फीमेल की 1.57 हाइट आपकी चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंग द स्कूल टर्म, यहाँ पे 1.62 हाइट है। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ से आप आते हैं वहाँ वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी हाइट आपकी मांगी गई है। अगर आप आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिर्जापुर, नागालैंड, इससे आते हैं तो 1.57 आपकी मेल की हाइट है, 1.47 आपकी फीमेल की भी हाइट मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप 10वीं प्लस स्पोर्ट कोटा का आपके पास कोई जो भी आपके पास है उससे आप फॉर्म भर लेना, ऑल इंडिया इसमें अप्लाई कर सकता है। सबके लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। 100 रुपये आपकी जनरल ओबीसी वालों की फ़ीस है। अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको कोई भी बैलेंस आपको देने की जरूरत नहीं है। SC ST फीमेल कैंडिडेट, फीमेल आपकी कोई भी कास्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका ये फॉर्म पास, ओनली जनरल ओबीसी वालों को ये ले फॉर्म, आपकी 100 रुपये फीस दी हुई है। अगर आप यहाँ पे देख सकते, फोर फी एक्सपेंड द फीमेल कैंडिडेट बिलोंग द SC ST के लिए फ्री है ये फीस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते जनरल और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस आपकी रखी गई है। तो दोस्तों बाकी आप रीड कर लेना और बाकी आप चेक कर लेना नोटिफिकेशन को, मैंने आपको बता दिया। इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है RECT.CRPF.GOV.IN, इतना आप गूगल पर डालिए। गूगल पर डालने के बाद ये वाला आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पर 11 जनवरी 2024 लिख रहा है, इसके सामने आपको एक PDF का ऑप्शन मिला है, इस पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस जो है नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। बाकी मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में आपको CRPF कॉन्स्टेबल GD के बारे में ये अपडेट दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो अपने भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार बनाने के लिए। और ऐसे प्यार बनाए रखिए और भी एजुकेशन से अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए।